Hey guys, welcome back to a new ultimate video of GTA San Andreas mods. Guys, finally WWE ka ek best mod pack main aap logo ke liye le aaya hu, jiske liye mujhe kafi sare log bol rahe the ki abhi tak ye mod pack kyun nahi aa raha hai. And video start karne se pehle thank you so much for 17,000 subscribers. Aapne bahut acha support diya aur bahut hi jaldi jo hai 17,000 subscribers jo hai humne complete kar liye, jo ki mere liye ek bahut hi bada goal hai. Aur mujhe lagta hai ki hum dheere dheere grow ho rahe hai, to aapka aur support chahiye kyunki subscriber to daily badh hi rahe, lekin usse ke sath mein hamare views bhi badhenge agar aap support दोगे तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. मैं कोशिश कर रहा हूँ अब रेगुलर वीडियोस लाने का. एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि वीडियोस डिले क्यों हो रही थी, क्योंकि मैंने लाइक कम्युनिटी टैब पे मैसेज किया था कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो उस वजह से मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पाऊँगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए जो है वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही थी. लेकिन हाँ, मैंने जितना मेरे से हो सकता था उतनी मैंने वीडियोज़ डाली थी, एक दिन में नहीं तो दो दिन के अंदर अंदर. तो अभी के लिए गाइस तो ये एक प्रॉब्लम थी छोटी सी, बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं गाइस. आज से वीडियोस में रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा, रेगुलर वीडियोस आएगी, रेगुलर आपको नया नया मोड मिलता रहेगा चैनल पे, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं इस मोड पैक की, तो इस मोड पैक के अंदर मैंने ऐड किया है स्काईबॉक्स, 4K स्काईबॉक्स, जो कि आपको जीटी सैन एंड्रियास के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जिसके ऊपर लाइक मैं पहले भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ. तो वो स्काईबॉक्स जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है. उसी के साथ में मैंने सुपर पंच यहाँ पे ऐड किया है. और इतना ही नहीं, यहाँ पे मैंने जो है और भी जो है काफी सारे पावर्स यहाँ पे ऐड करिए. WWE के जो कैरेक्टर्स है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. उसी के साथ में आपको यहाँ पे उनकी पावर्स भी देखने के लिए मिल जाएगी. एक्सटर्नल पावर जो है वो भी मैंने ऐड करिए, जो कि आपकी गेम को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी गाइस, ठीक है. तो ये मोड पैक है और काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे. तो फाइनली गाइस ये टोटली अब अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पासवर्ड बताया है, इंस्टॉलेशन बताया है किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो. और जिनको नहीं पता कि क्या प्रोसेस रहता है इंस्टॉलेशन का, तो वो जो है वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि इस मोड पैक का क्या इंस्टॉलेशन है, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और क्या क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है. तो आपको ये वीडियो देखनी होगी, वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो गाइज, अगर मैं इसके बारे में अगर बेसिक अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट मैंने दिए हैं जो कि जिनके जरिए आप अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो. एज यू कैन सी, इस तरीके से आप अपना कैरेक्टर यहाँ पे चेंज कर सकते हो WWE के, और अपना खुद का प्राइमरी भी चेंज कर सकते हो. एंड उसके साथ में अगर आप गैंग बुलाओगे तो गैंग में भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर अप्लाई मिलेंगे. तो WWE की जितने भी लाइक कैरेक्टर्स है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे मैंने कुछ सुपर हीरोज की पावर्स भी ऐड करी है, जो कि इस मोड पैक को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है. जैसा कि आप देख सकते हो, सुपर पंच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सुपर जंप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. आप अपने कार को कोई भी कार को अपने हाथों में उठा सकते हो, वैसे शक्ति आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. उसी के साथ में आप सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो बारी बारी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो. एंड इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको जो है सुपर कार्ड्स भी देखने के लिए मिलने वाली. जी हाँ गाइस, स्पोर्ट्स कार्ड्स आपको इस मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है. तो टोटली मुझे लगता है कि ये मोड पैक सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस मोड पैक के अंदर आपको सभी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक नॉर्मल मोड पैक में होनी चाहिए, और जो कि गेम को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है. साथ में WWE के कैरेक्टर्स तो आपको देखने के लिए मिल ही रहेगा, ठीक है. तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इंस्टॉलेशन की ओर ले जाऊंगा. बात तो काफी कर ली इसके बारे में, आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या मिलने वाला है. सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इंस्टॉलेशन. सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन गाइस. सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है फाइल WWE2K18 मोड पैक के नाम से, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो. पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है. पासवर्ड आपको लिखना है बाय सैफ्रॉन गाइस, यही हमारा नॉर्मल पासवर्ड रहता है, ठीक है, हर एक मोड के अंदर बाय सैफ्रॉन. तो यहाँ पे देख लो, उसके बाद में ओके कर दो गाइस. यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्टिंग होने में टाइम लगाएगा क्योंकि फाइल बड़ी है. तो उसके बाद आपको फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर को ओपन करो. उसके बाद bcom.rockstargame.jts रीड इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लेना. बाकी फोल्डर को कॉपी या कट जो करना है कर लो, कट कर लो. उसके बाद में एंड्रॉइड डेटा एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दो. मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इसलिए रिप्लेस पूछ रहा है, बट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है. सो गाइस, फाइनली आपको ओनली इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है. आपको अपना गेम ओपन करना है. गेम आप न्यू गेम के साथ ओपन करोगे तो आप देखोगे तो आपका स्काईबॉक्स जो है अप्लाई हो चुका है. बहुत ही शानदार स्काईबॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा. साथ में अगर आप अपना मेन्यू ओपन करोगे, मेन्यू ओपन करने के बाद में आप स्किन सेलेक्टर V3 को ओपन करोगे, उसके बाद में आप देखोगे तो आप जो अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते रहोगे बारी बारी, और आपके जो WWE के जो कैरेक्टर्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे गाइस.
ठीक है, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है तो आप वापस से जो है वीडियो को देख सकते हो, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप एक दो बार देखते हो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने अगर इस वीडियो को एक बार भी नहीं देखा तो फिर वो उसको दिक्कत आ सकती है इंस्टॉल करने में, तो वीडियो को पूरा देख लेना और इंस्टॉल कर लेना बाद में, ठीक है। और गाइस एक और बात, अगर ये मॉड पैक अगर आपके डिवाइस में अच्छे से रन कर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में मेरे को सपोर्ट देना मत भूलना कमेंट के अंदर। मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइक कमेंट करते नहीं लोग, अगर उनका मॉड पैक रन हो भी जाता है तो कमेंट जरूर कर देना यार आके कि मेरा मॉड पैक वर्क कर रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं और क्या क्या कमी है वो भी बता देना मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो मॉड पैक अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर वो आपके फ़ोन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इजीली वर्क कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मुझे ये चीज़ पता लगेगी, ठीक है। आप लोगों से ही पता लगेगी, आप लोग बताओगे तो पता लगेगा, ठीक है। आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि भाई एक्चुअली मेरे मोड पैक में प्रॉब्लम क्या है, तो वो चीज़ बताना मत भूलना। मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपका ये मोड पैक वर्क करता है कि नहीं करता है, एंड क्या क्या कमी है वो भी बता देना ताकि मैं उसको भी फिक्स कर सकूँ। बाय द वे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियोज रेगुलर डाल रहा हूँ लेकिन सपोर्ट डिसेंट सा मिल रहा है, सो दैट्स वाई कि ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज सपोर्ट। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोड के साथ में। और एक और बात, अगर आपने ये प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है जो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रही है, इसको चेक करना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगभग 60 प्लस मोड जो है ऐड कर चुका हूँ, जो कि हमारे चैनल पे हो चुके हैं 60 प्लस मोड्स अभी तक जीटी सैन एंड्रियास के मैं अपलोड कर चुका हूँ। और जीटी सैन एंड्रियास के ही नहीं, जीटी सैन एंड्रियास के अलावा जीटी वाई सिटी, जीटी 3 के भी काफ़ी सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। सो ओपन माई चैनल एंड विजिट माई चैनल फुली। एंड गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, में मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है, तो कनेक्ट रीजिएगा चैनल से, जाइएगा मत, एंड या बाय।